हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। आई एम श्योर विंटर भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, है ना? सो गाइस, आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी सी रेमेडी जो यूनिक भी है, यूनिक होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी देती है चेहरे के ऊपर। दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मैम हमारी स्किन लटक गई है, ढीली पड़ गई है। हाँ, उम्र के साथ साथ देखिए थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता है, ये बिल्कुल ये नहीं है कि मैं एकदम से सारा रिजल्ट डाल दूंगी, है ना। शायद मैं भी जब 50 की होंगी तो लगूंगी यार मैं, हाँ 50 की तो नहीं लगूंगी, 50 की होकर भी हाँ इतना है कि 35-40 की तो लगूंगी, है ना। क्योंकि स्किन की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम वाटर इंटेक सर्दियों में बहुत कम कर देते हैं, तो इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। तो चलिए, हम लेक्चरबाजी नहीं देंगे कि ये कर लेना वो कर लेना, है ना, क्योंकि इतना कुछ बताऊंगी आप लोगों को तो ऐसे ही मैं टीचर बन जाऊंगी और बोर हो जाऊंगी, है ना, और आपको भी लगेगा कि किसी क्लास में बैठे हुए हैं, है ना। तो चलिए इसको स्किप कर देते हैं और आज का रेमेडी यूज़ करते हैं। इस रेमेडी से ढीली स्किन टाइट हो जाती है, दाग धब्बे झुर्रियाँ खत्म होती हैं, और इसके साथ साथ जो स्किन अपनी जो आई एरिया है उसके आसपास की स्किन डार्क हो गई है उस पर भी ये रेमेडी बहुत कंट्रोल करती है। पता है क्यों? क्योंकि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं मूंगफली। जी दोस्तों, मूंगफली के दानों से हम अपने चेहरे को किस तरह से ब्राइट ग्लोइंग कर सकते हैं शायद आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब आप एक बार यूज़ करके इस प्रोडक्ट को, इस रेमेडी को लगाएंगे, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई लोग कि आपको रिजल्ट में ऐसा क्या फ़र्क लगा है दूसरे रेमेडीज से या दूसरे यूट्यूबर्स के आप रेमेडीज़ देखते हो, आपको कितना फ़र्क लगा है इस चीज़ को देखकर, है ना। तो चलिए रेमेडी यूज़ कर लेते हैं और बना लेते हैं किस तरह से हमने इसको बनाना है और यूज़ करना है और कब कब यूज़ करना है। लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, ढीली स्किन पड़ जाती है, हमारा जो ये वाला एरिया है ना वो ऐसे नीचे की तरफ लटक जाता है, लाइक ऐसे कुछ करके, है ना। जब ये स्किन नीचे लटकना शुरू हो जाए ना, तब आप समझ लो कि बहुत काम करने वाला है आपके चेहरे पर, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम 20 दाने लेंगे मूंगफली के। मूंगफली के साफ बड़े बड़े दाने लीजिएगा, उसको आपने दूध में डाल लेना है और 15-20 मिनट के लिए रख देना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले, एक रात पहले आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दानों को भी आपने दूध में भिगो के पूरी रात डुबो के रखना है। बस ज़्यादा दूध मत डालिएगा, थोड़ा ही दूध के बस वो बन जाए, कि वो फूल जाए थोड़ा सा, ऐसा रखना है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, दूध सब में से छान के अलग कर देना है, मूंगफली के दाने ले लीजिए और जो मेथी दाना हमने भिगो के रखा था वो ले लीजिए। अब इसमें क्या डालने वाले हैं हम, अब इसमें डालने वाले हैं दोस्तों हम तिल। तिल जो विंटर सीजन में हम लोग बड़े खाते हैं ना, तिल की गच्चक हो गई, तिल की मूंगफली हो गई या तिल के लड्डू हो गए, है ना, बहुत खाते हैं हम। पता है आपको, तिल भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो तिल आपने लेना है 1 चम्मच, वो इसके अंदर मिक्स कर दें और अच्छे से इसको ब्लेंड कर दीजिए और एक पेस्ट या पाउडर आपका बनके तैयार हो जाएगा। पेस्ट बनेगा क्योंकि हमने इसमें दूध डाला हुआ था, ठीक है जी। ये बनके रेडी हो गया। आप 2 बूंदें आपने इसके अंदर डाली हैं एलमंड ऑयल की, यानी कि बादाम के तेल की, वो डाल लीजिए और इसके थोड़ा सा आपने अगेन जैसे मिक्स कर ले, थिक सा पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को पूरे चेहरे पे लगा लीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये गिर भी सकता है ना, क्योंकि वो अच्छे से आपके चेहरे पर टिका नहीं रहेगा जैसे मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट हम लगाते हैं, क्योंकि इसमें मेथी दाना है, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। आपने थोड़ी देर के लिए 20 मिनट तक कम से कम अपने चेहरे पे इसको अप्लाई करके रखना है। उसके बाद आपने ऊपर की तरफ मसाज करते हुए, लिप एरिया के ऊपर मसाज करते हुए इसको निकालना है। देखिएगा पिगमेंटेशन कैसे आपकी दूर होती है, हमारे लिप एरिया के पास पास जो पिगमेंटेशन है वो भी जाएगी। अगर आप इसका डेली डेली ध्यान रखना, रोज रोज अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको 10 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्किन को ऊपर की तरफ मसाज करनी है, ये बात याद रखिएगा, लाइक दिस, ऐसे मसाज करनी है, पूरा ऐसे चिक के ऊपर तक नहीं हाथ को फैला देना आपने, कि मशीन नहीं चला देनी है। यहां से हम यहां तक मसाज करेंगे, लाइक दिस, यहां से हम यहां तक मसाज करेंगे ताकि फेस की भी अच्छी सी शेप बन जाए, है ना। तो हमने ऐसे मसाज करनी है और ऐसे मसाज करनी है, लाइक दिस। उसके बाद आपने चेहरे को धो लेना है। धोने के बाद स्किन बड़ी फ्रेश लगेगी, बहुत ही ग्लोइंग लगेगी। स्किन के ऊपर जो भी ड्राइनेस होगी या फिर पिगमेंटेशन है या दाग धब्बे हैं, उनको खत्म करने में ये रेमेडी बहुत हेल्प करती है। बड़े छोटे सब लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपकी एज 12 या 15 साल है, आप लोग भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही नेचुरल है। केमिकल फंडा तो आपने देख ही लिया है, कुछ भी नहीं है। तो ट्राई करके जरूर देखना, अगर रिजल्ट अच्छा मिला है ना, या फिर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट बार में मुझे लिख दिया कीजिए, मैं आंसर देने के लिए ही बैठी हूँ यहाँ पे। तो ट्राई करके जरूर देखना और मुझे इसका रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नए वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।